हम आज बनाने वाले हैं जिम जैम बिस्किट्स। इसको हमें अच्छे से क्रीम करना है, तो बटर और शुगर को हमने क्रीम कर लिया है। अब बारी है फ्लावर की। इसको एक बार हम फोल्ड कर लेंगे। तो बस हमारा जो कुकी डो है वो तो रेडी हो गया है। अब ये फ्रिज में रेस्ट करेगा फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एंड देन वी कैन रोल देम आउट। डो हैज वेल रेस्टेड। अब बारी आती है इनको रोल करने की। अब हम इनको विद द हेल्प ऑफ दीज टू कुकी कटर्स, एक जो थोड़ा बड़ा है और दूसरा जो थोड़ा छोटा है, बिकॉज हमारी जैम की फिलिंग है वो यहीं पे जाएगी। अब बाकी का जो डो है उसको आप हटा लीजिए एंड दैट्स इट। चलिए अब ले लेते हैं एक बेकिंग ट्रे जिसके ऊपर मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा रखा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पैलेट नाइफ बहुत ही डेलिकेटली आप इन कुकीज को उठा सकते हैं। वाओ, 5 मिनट के लिए हम कूल होने देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फिलिंग देम अप विद जैम। और इस तरीके से आप इसको सैंडविच कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज शुगर स्प्रिंकल कर देंगे एंड दैट्स योर जिम जैम बिस्किट।